हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल नमक नमकीन पर। आज हम बनाएंगे चिकन की एक ऐसी रेसिपी जो बिना प्याज की बनती है। आप सोचने लगे होंगे कैसे बनती है, मगर बहुत स्वादिष्ट बनती है, लजीज बनती है, बनाना बहुत आसान है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे 100 ml मस्टर्ड ऑयल। आप कुकिंग ऑयल में कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें अब डालेंगे 750 ग्राम चिकन। चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, पलटे से चलाएंगे ताकि चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो जाए। चिकन फ्राई हो चुका है हमारा अच्छे से, इसमें अब डालेंगे हम 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। पेस्ट मैंने थोड़ा सा पतला कर लिया है ताकि हमारा पेस्ट सही से भुन जाए तेल में। पेस्ट अच्छे से भुन चुका है, इसमें अब डालेंगे हम नमक। नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, अच्छे से भून लेंगे। हम पलटे को चलाते रहेंगे, ऐसी मुर्गे को हम बिल्कुल पकाते रहेंगे। इसमें अब डालेंगे लगभग 250 ग्राम टमाटर। टमाटर मैंने 2 पीस में काटे हैं। टमाटर को अच्छे से गला लेंगे। गलाने के लिए हम टमाटर को चलाते रहेंगे। इसमें अब डालेंगे हम 1 चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा, फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को लो ही रखना है। अब डालेंगे इसमें हम 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, 1 चम्मच डालेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, और इसमें डालेंगे लगभग 1 चम्मच कुटा हुआ गरम मसाला। अब हम अच्छे से चला के मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को हाई करेंगे। इसमें अब डालेंगे हम 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च। लाल मिर्च डालने के बाद हम मिक्स कर लेंगे। एक बात आपको ध्यान रखना है, एक एक मसाला करके डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। इसमें अब डालेंगे हम 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, धनिया सूखा वाला है, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मसाले को अच्छे से हम भून लेंगे, चलाते जाना है ऐसे। हरी मिर्च डालेंगे इसमें साबुत, मिर्चों को सही से भून लेंगे। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। सारे मसाले अच्छे से हमारे भुन चुके हैं। इसमें अब डालेंगे हम 3 चम्मच दही। एक बात आपको ध्यान रखना है, सारे मसाले भुनने के बाद ही दही डालेंगे। अगर आपने दही पहले डाल दिया तो हमारा सारा मसाला कच्चा रह जाएगा, वो भुन नहीं पाएगा। दही मिक्स करने के बाद जो मसाले में से खुशबू आ रही है, उससे मालूम होता है कि हमारा चोलिस्तानी चिकन कढ़ाई बनके बिल्कुल अब रेडी है। देख के मुंह में पानी आ रहा है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा चिकन बना है हमारा। इसको अब हम सर्व करेंगे। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। आप खुश रहिए, अपनी फैमिली को खुश रखिए। मिलते हैं अगली रेसिपी में जल्द। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलना।